बॉलीवुड के फेल नेपो प्रोडक्ट जिनके बाप दादा इंडस्ट्री पर राज करके भी अपने बच्चों का करियर बनाने में नाकामयाब रहे। सबसे पहले बात करते हैं नेपोटिज्म के सबसे खराब प्रोडक्ट अनन्या पांडे की। इन इंडस्ट्री का स्ट्रगल क्वीन कहा जाता है। इनका स्ट्रगल जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म हो जाता है। ये अपनी फिल्मों में उतनी ही मेहनत करती है जितना आप पानी पीने के लिए ग्लास उठाने में करते हैं। इन्होंने इंडस्ट्री में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के जरिए दस्तक दी थी। ये डेब्यू कोई ड्रीम डेब्यू नहीं था। इन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में खुद की एक्टिंग से लोगों को बहुत अच्छी तरह से वाकिफ करवा दिया था। इनकी एक्टिंग पर लोगों को इतना भरोसा था कि लाइगर जैसी 200 करोड़ के बजट में बनी फिल्म में विजय देवरकोंडा के होने के बाद भी लोग इसे देखने नहीं आए क्योंकि इसमें अनन्या पांडे थी। अनन्या पांडे करण जौहर का वो नायाब हीरा थी जो कभी चमका ही नहीं। अनन्या पांडे के बाद बात करते हैं सोनम कपूर की जो फिल्मों के लिए बनी ही नहीं लेकिन फिर भी अपना समय बर्बाद करते दिख जाती है। एक नेपो किड होने के नाते सोनम को उनकी पहली फिल्म इंडस्ट्री के मंझे हुए खिलाड़ी संजय लीला भंसाली के साथ करने का मौका मिला लेकिन इनकी बेकार एक्टिंग की वजह से भंसाली साहब भी इनके फिल्म फ्लॉप होने से नहीं बचा पाए। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद सोनम का फिल्मी सफर लगभग खत्म सा हो गया था लेकिन अपने पापा की रेपो की वजह से इन्हें इनके करियर की दूसरी फिल्म टेली 6 मिली। इत्तेफाक से ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई लेकिन ये भी इनका कुछ खास नहीं उखाड़ पाई। इसके बाद इन्हें 5 फिल्मों में काम करने का मौका मिला और 5 फिल्म पैसा बर्बाद साबित हुई। हालांकि इन्होंने रांझना जैसी हिट फिल्में भी दी है लेकिन इसमें भी हर जगह धनुष ही धनुष थे। अपनी फ्लॉप लिस्ट को दिखाते हुए सोनम में दर्शक पर रहम करते हुए फिलहाल तो फिल्मों से ब्रेक ले लिया है। जब कपूर की बात हो ही रही है तो लगे हाथ अर्जुन कपूर को भी लपेटे में ले लेते हैं। इन्होंने अपनी आधी जिंदगी फिल्मों में लाइमलाइट लेने की बजाय मलाइका के अफेयर के साथ बटोर ली। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पीछे भागने की उम्र में मलाइका के पीछे लगे हुए हैं। माना कि अर्जुन कपूर फिल्मी वंश से आते हैं लेकिन अपने पिताजी के प्रोड्यूसर होने के बाद भी ये कुछ खास नहीं कर पाए। ये स्टार्टिंग से ही फ्लॉप स्टार की लिस्ट में है। साथ ही इन्होंने कसम खा रखी है कि जिस फिल्म में रहेंगे उसे तो फ्लॉप करवा ही देंगे। इनकी किस्मत इतनी ज्यादा फ्लॉप है कि इनकी फिल्म की एंड का में करीना भी इस फिल्म को हिट नहीं करवा पाई। इसके साथ काम करके वो बेचारी फ्लॉप हो गई और फिल्म में अर्जुन कपूर बॉलीवुड का वो प्रोडक्ट हैं जिन्होंने ऑडियंस को अव्वल दर्जे का इरिटेट किया है। चलिए अर्जुन के बारे में अब इतनी बातें हैं ही नहीं जो हम करें, इसीलिए अब जूनियर टाइगर श्रॉफ की तरह चलते हैं जिन्हें एक्टिंग के नाम पर सिर्फ हाथ पैर हिलाना ही आता है। सबकी आती नहीं और इनकी जाती नहीं की जगह इनके लिए होना चाहिए था। सबको थोड़ी बहुत तो आती है, इन्हें बिल्कुल नहीं आती। इनके करियर की पहली फिल्म जिसमें इन्होंने हीरो वाले काम ही नहीं किए थे, एक्टिंग को छोड़कर इन्होंने डांस एक्शन बकवास सभी चीजें की थी। इसके बाद इनकी बागी आई जिसमें इन्होंने एक्टिंग का सारा भार श्रद्धा पर डाल दिया और पूरी फिल्म में खुद बस स्टंट करते हुए नजर आए। जूनियर श्रॉफ के पापा भले ही कितने बड़े स्टार हैं लेकिन इनके पास अगर मार्शल आर्ट और डांस का हुनर ना होता तो ये कुछ भी नहीं होते। टाइगर के पिता के अलावा सोनाक्षी के पिता का भी इंडस्ट्री में एक अलग ही स्वैग है लेकिन टाइगर की तरह वो भी फ्लॉप है। उन्होंने अक्षय कुमार, सलमान खान और साजिद कपूर जैसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया है लेकिन फिर भी इनका सिक्का कुछ खास नहीं चल सका। इंडस्ट्री में इन्हें इनके पिता की तरह ही दबंग बताया जाता है लेकिन कौन समझाए इन्हें कि एक्ट्रेस को छुई मुई के पौधे की तरह होना चाहिए। ऑडियंस लड़की में नजाकत खोजती है, दबंगगिरी नहीं। इनकी दबंग हिट जरूर थी लेकिन इसमें सोनाक्षी का कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। इससे अच्छा तो सोनाक्षी अपने फैशन डिजाइनर वाले प्रोफेशन को ही कंटिन्यू कर लेती। क्या पता शत्रुघ्न सिन्हा का एक और बच्चा कामयाब हो जाता। माना कि सोनाक्षी का दबंगगिरी वाला अंदाज उनके प्रोफेशन को सूट नहीं करता लेकिन जाह्नवी ने कमसिम कली बनकर क्या ही उखाड़ लिया। उनकी माँ श्रीदेवी के देखते के साथ ही लोगों के दिल धड़कने बुलेट की स्पीड से तेज हो जाते थे लेकिन बेटी की तो फिल्म का नाम ही धड़क था, फिर भी किसी के दिल में नहीं धड़क पाई। इस फिल्म में जाह्नवी की एक्टिंग बहुत लिमिटेड थी। हालांकि ये फिल्म आने से पहले खूब सुर्खियां बटोर चुकी थी लेकिन जब आई तो ईशान ठक्कर का करियर बना गई और जाह्नवी को 2-4 फिल्में दिलवा गई जो कि बाद में सारी फ्लॉप हुई। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड का कमाल देख रहे हो, एक के बाद एक फ्लॉप देने के बाद भी एक के बाद एक फिल्में रिलीज हो रही हैं। आखिर में बात करते हैं उदय चोपड़ा की जिनके खानदान ने न जाने कितने लोगों को स्टार बनाया है। उन्होंने शाहरुख खान को किंग खान बनाया लेकिन जब बारी उदय की आई तो उन्हें कुछ ना बना सके। माना कि उदय ने धूम और मोहब्बत जैसी कई फिल्में दी हैं लेकिन अपनी ज्यादातर फिल्मों में उन्हें सपोर्टिंग एक्टर का किरदार निभाया।